रही होगी। ये ना एक पुतला खड़ा है यहाँ पे, ये वो जो गाइस 2 दिन पहले गाइस मेरे को सपना था, डरावना सपना था, बहुत खतरनाक, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुमको। सुबह के रात के 3:30 बज रहे थे, ये भाई सोया हुआ था, मेरा सोने का टाइम हुआ था, मैं इसको उठाया उठाया मैंने, उसके बाद में मैं इस जगह पे सोया था, इधर इधर मैं सोया था, इधर ये सोया था प्रमोद। तो सोया था, अचानक से ज़्यादा नींद भी नहीं आई होगी, 10 से 15 मिनट हुआ होगा मेरे को सोने के लिए, मेरे को सपना हुआ, सपना आया, सपने में ऐसा सीन हुआ, ये जो दरवाजा है ना पहले, तो इसको मैं सपने में ऐसा था, ये यहाँ पे खड़ा था प्रमोद है ना, ये यहाँ पे खड़ा था प्रमोद, इस जगह पे प्रमोद खड़ा था, यहाँ पे मैं था, वो औरत भाई सपने में वहां से आ रही, यहाँ पे भी देखो एक दरवाजा है, ये देखो वहां पे वो दरवाजा दिखा, वहां से वो ऐसे आ रही थी, इधर से, और मैं इधर खड़ा सपने में, इस जगह पे मैं खड़ा था जहाँ पे ये खड़ा है, और ये इधर खड़ा था, तो वो ना भाई वो वहां से ऐसे आ रही है पैदल, लाल लाल कलर के साड़ी थी, ज्यादा डरावनी नहीं दिख रही थी भाई वो ना ज्यादा ऐसे डरावनी नहीं दिख रही थी, फुंकार तो वहां से आ रही थी, पहले ना आवाज आया मेरे को, बोला कौन तो आ रहा है, वो बोलता कोई कैसे आ सकता है, बोले बाहर तो ताला मारा है, बोला फिर ये कौन है, तो भाई वो वहां से आ रही है, और ये बंदा ना जरा भी डर रहा नहीं उसको देख के, तो वो यहाँ से ऐसी आई। यार मैं इस जगह से भग के डायरेक्ट इधर आ गया, जिधर मैं खड़ा था उधर ही पहुंच गया वापस, तो वो ना भाई यहाँ पे आके ना इसके साथ बात करने लगी, कुछ ना कुछ इसको बोल रही थी, इसके साथ है ना बात कर रही थी, वो प्रमोद के साथ इधर इस जगह पे, इस जगह पे बात कर रही थी, और मैं यहाँ से ना उसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ क्या ये कोई डरावनी है क्या, कोई आत्मा कुछ है ऐसा, मेरे को महसूस हो रहा है कि वो कोई है खतरनाक चीज़, नहीं उसका मुंह दिख रहा था नहीं कुछ, और अचानक से थोड़ा लाइट भी लबड़ झबड़ कैसा हो रहा था सेम, तो पता नहीं चल रहा था क्या है एक्चुअल में, तो थोड़ा टाइम हुआ, तो वो हमारी जो वाले बुक है प्रोडक्शन की, ये बुक को चेक कर रही थी वो खोल के क्या क्या है इसमें, तो इसको चेक कर रही थी, अचानक ये भाई को ना उसने लाइक गायब कर दिया जगह में से, जैसे ये गायब हुआ मैं डायरेक्ट जोर में चिल्ला के उठा, मैं जोर में चिल्ला के बहुत जोर में उठा है वहां से, जोर में चिल्ला के उठा, उतने में ये भाई भी डर के उठ गया कि क्या हुआ, बोले इतनी रात को, मैंने बोला भाई ऐसी ऐसी चीज भी मेरे तो सपना आया मेरे को, उसने में ये भाई की भी पटी पड़ी मेरी, ये भाई बोलता है बाहर तो ताला वाला मारा है तो कौन आ गया, बोले अचानक, बोला अरे सपना हुआ था, सपने में ऐसा सब हुआ मेरे साथ, उसके बाद में ये बराबर सोया, ये भी उठा के मशीन चलाने लग गया, फिर रोज सो जाता था उसके बाद सोया नहीं, उसके बाद तो भाई इधर हवन बुवन करना पड़ेगा, हमारे सेठ है चकली उनको बोलना पड़ेगा, इधर खाते में हवन करना पड़ेगा गाइस, पहले तो हम दोनों में तो कोई एक रह जाता तो नाइट में, अभी दोनों में तो एक भी नहीं रहेगा, अभी अकेला रहने की बात ही नहीं करने की, अरे पटी पड़ी थी यार जेम थे, फिर उसके बाद में दोरे धागे बांध के आए मेरे रक्षा, प्रमोद कैसे फाड़े ली वो जोरदार, हम लोग तो घर पे जाने का प्लान बना रहे थे सुबह 4 बजे 3 बजे, अगर उस दिन अगर प्रबोध नहीं रहता ना मेरे को ऐसा कुछ होता सपना था, मैं भाई मशीन वशीन भी बंद नहीं करता उसके पहले ऐसे बच जाता बाहर, दूसरी बार आता भी नहीं, फिर तंबू में घबराते यार इतने, मेरे बहुत खतरनाक सीन था, वो वहां से आई थी, वहां से पैदल पैदल हम दोनों इधर थे ऐसी बात कर रहे थे यार सपने में, और वो वहां से आए भाई लाल साड़ी में, लाल साड़ी तो मतलब ऐसी लग रही थी, मतलब क्या कुछ है ऐसी डरावनी नहीं थी ज्यादा, लेकिन वो अलग ही लग रही थी, वो वहां से ऐसी थी याद पे आई, जैसे इस साइड पे आए ना यहाँ से मैं गई उसके पास से, यहाँ से भक्के डारे जिधर आ गया मेरी जगह पे, वो आके बुक चेक करती हूँ, माहौल भी ऐसा हुआ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा लेकिन बोल ही नहीं पा रहा था, क्या कहूँ बोलूँ, बोलने बोल ही नहीं पा रहा था, हनुमान चालीसा बोलने की कोशिश कर, वो नहीं बोल पा रहा था, हाँ फिर जैसे ये गायब हुआ वो मेरे पास घूमी फिर मैं डर के उठा वहां से, तो जोर में चिल्लाया उसके बाद पीछे से उठ के मेरे को ऐसा देखता है क्या हुआ, बोला काम करने लग गया भाई, सुबह 4 बजे में हनुमान चालीसा बज रही थी खाते में, फिर हनुमान दादा ने बहुत ताकत दी तो आए भाई, इसलिए इतना खतरनाक हुआ मेरे साथ, ये रोज स्टोरी थी मेरी सपने की, इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो बताना गाइस कमेंट में, मेरे साथ तो बहुत भयानक हुआ था वो, उसके बाद अभी फटी पड़ी है, इससे अभी ज्यादा टेंशन भी नहीं लेने का, फालतू में दूर रह गए तभी आने का काम, नहीं तो आने का नहीं,
नाइट में थोड़ा संभाल के रहने का भाई, क्यों सब दोरे मेरे सब बांध लेने के। ये देखो भाई अभी सुबह का टाइम हो रहा है 4:30, अभी हमारा भाई अभी थोड़ा संभाल लेगा, फिर सुबह मेरे को उठाएगा, बाद में मैं करूँगा। ये देखो ये हमारा काम है, ये काम करता हूँ मैं कंप्यूटर के, इसमें पॉइंट बिंट मारने के। हाँ और एक चीज दिखाओ तुमको, एक चीज दिखा दो तुमको, तुम भी बोलोगे यार ये तो बहुत डरावनी चीज है यार, बहुत खतरनाक लाया है। तो तुमको दिखाता हूँ मैं, ये देखो मेरा खाता दरवाजा बना, तुम भी बोलोगे यार ये क्या चीज है। ये देखो भाई, ये देखो, ये दिख रही है क्या? बराबर नहीं दिख रही होगी। ये ना एक पुतला खड़ा है यहाँ पे, ये वो जो जो लेडीज लेडीज लोगों की जो साड़ी यहाँ पे बनती है ना, पल्लू डिजाइन वो सब बनता है साड़ियों का, तो उसके लिए उनको ट्राई करने के लिए वो भावला है पुतला, जिसको कपड़े पहना के वहाँ पे ट्राई करते। तो भाई रात को कभी कभी उसको देख के डर जाते हैं यार। वहाँ पे तुम पानी वानी पीने जाओगे, अचानक वो दिख जाए तुम भग जाओगे वहां से डायरेक्ट। दो लोग पहले थे यूपी वाले भाई, यहाँ पे सोते थे दोनों के दोनों भैया, ऊपर भग गए, अभी ऊपर जाके सोते रूम लिया है उन लोगों ने, यहाँ पे भी सोए गए बोले। ऐसे ऐसे सीन हो जाएगा ऐसे तरह। रात बाद ये लोग में इतना ही बताना था, इसलिए मेरे का ऐसी स्टोरी हुई थी वो मेरे को तुम लोग के साथ शेयर करने की थी। आप भी सावधान रहिए, आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ऐसी ऐसी लाल साली काली साड़ी वाली तुम्हारे पास भी आ सकती है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।